पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में। जयराम आश्रम में चल रहे कार्यक्रम में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गीता जयंती आयोजन पर खड़े किए सवाल। कहा, जिस तरह धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सड़कें टूटी हुई हैं, उसी प्रकार वो प्रदेश में जहां भी गए हर जगह यही हाल है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को इवेंट मैनेजमेंट की सरकार बताया। सर, वो सरकार इंटरनेशनल गीता जयंती मना रही है, कुरुक्षेत्र की सारी सड़कें चारों तरफ से टूटी हुई हैं, टूरिस्ट कैसे आएगा, बड़ा सवाल है। कोई आगे विकास होता नहीं दिखाई दे रहा, और इतना जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जा रहा है तो बिल्कुल सड़कें बड़के सब ठीक हो चुकी है। ब्रह्म सरोवर की जो परिक्रमा है जी, वो भी टूटी हुई है, मतलब इतने लाखों लोग। मैं कह रहा हूँ, सरकार जो है केवल इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है, उसको साफ सुथरा सुधार करने में नहीं, उसका सुधार करना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय शहर बन चुका है, इसमें विभिन्न मंदिर भी आ रहे हैं, इस्कॉन आ रहा है, अक्षरधाम आ रहा है, टूरिज्म डेस्टिनेशन है, इसके कुरुक्षेत्र हाथ जाते हैं। इनेलो के वरिष्ठ नेता बरसामी पर कार्रवाई की गई है, वो तो कानूनी मामला है, उसमें और गीता महोत्सव आज आ जाए गीता महोत्सव जी के, और तकरीबन 8 साल आता हूँ, क्योंकि जब गंगा में डूब गया था तो ग्रंथकारी जी ने बात कहलाए थे, तो जब से इनका हमारा बड़ा सम्मान है। गीता महोत्सव है, गीता का सारांश है, गीता ही जो है जीवन है, और गीता ही सत्य है, और गीता ही कर्म है। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।